गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 3 अप्रैल और अभी 7 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं मौसम, दो दिन से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी मायके की फैमिली में हमारे ताऊ जी के बेटे अचानक से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। 31 को ही उनकी रिटायरमेंट थी और बहुत एक्साइटेड थे, सभी को कॉल्स किए थे। 2 अप्रैल को उन्होंने अपने घर पे पार्टी रखी थी और सभी को बुलाया था। लेकिन कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वैसा ही हुआ। ये खुशियाँ शायद उनके नसीब में नहीं थी। और 31 की शाम को, अब मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, मुझे तो 9:30 बजे के करीब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही अच्छे नेक इंसान, हमारे पूरे जो फैमिली है हमारी, हमारे दादों की, जो हमारे दादा थे, सब भाई भाई थे मेरे और उनके दादा, तो हमारे इतने भाइयों में इतने जेंटल, इतने उनकी क्वालिटीज़ जो थी वो शायद किसी में भी नहीं है। बहुत ही जेंटल, बहुत ही शरीफ, ईमानदार, मेहनत इंसान थे। अब तो बस यही बोल सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहे उन्हें तमाम खुशियाँ मिले जो उन्हें इस दुनिया में रहकर नहीं मिले। और हो गई है छुट्टी और हमारे साथ है विहान, विहान समरा फिर से। हेलो विहान। हेलो। आपकी छुट्टी जल्दी हो गई? चलो। क्यों आए आप हमारे स्कूल? मैं चाहे जो करूँ ना रवाई वारा। हेलीकॉप्टर क्या बोलता है वो? हेलीकॉप्टर। चले। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, चलो फिर। अभी मौसम थोड़ा ठीक है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश, लेकिन अभी ठीक है मौसम। क्यों चाहिए तुझे? अरे मेरे को खेलना है ना, ऐसे मन में एक कंचे को। अच्छा तो मैं खेलना आता है आपको? खेलना आता है? हाँ जी। कैसे खेलते कंचे से? टक्कर मारनी पड़ती है, जिसको टक्कर लगेगी वो जीत जाता है। फिर अब आपका हो जाएगा फिर वो। अच्छा, वेरी गुड। चलो फिर मिल गए विहान आपको कंचे, मिल गए आपको कंचे, मिल गए। 10 रुपीज के कितने कंचे आएंगे? 10 रुपीज के 20 आएंगे। विहान 20 के 40 हो जाएंगे कल तक? जीतोगे आप? या 20 के 0 कर दोगे? 0 ही करूंगा। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। मौसम साफ हो गया है। वो हमारा स्कूल सभी जा चुके हैं, 4:30 का टाइम हो रहा है अभी। बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं, कितना अच्छा लगता है फूलों को देखना। ये मुझे लगा था कि ये सूख गया है, लेकिन आज खिल गया है इसमें भी। चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन आया है। हेलो सारिश, क्या कर रहे हैं आप? चूल्हा आ गया। अच्छा, ये आया हमारा न्यू, ऑनलाइन मंगवाया है ये। अब ये नहीं पता कि कैसा है, लेकिन वो हमारा बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था।
बहुत ही अच्छा था और बहुत कोई 12-15 साल हो गए हैं इसको और ये इतना अच्छा चल रहा था कि भूकंप की वजह से ये टूट गया था। इसके सारे कॉर्नर्स आप देख सकते हो ऊपर से, और ये जो और ये आया हमारा न्यू गैस स्टोव, अब ये पता नहीं कि कैसा होगा। एक्चुअली जब हमने घर बनाया था तो उसके इसमें नहीं है लाइटर, हे भगवान। और हमारे इसमें तो लाइटर आज तक खराब नहीं हुआ था, इसमें आज तक भी लाइटर खराब नहीं हुआ था। ले ले ले। और ये हमारे नए गैस स्टोव का उद्घाटन हो रहा है, बाकी तो ये ठीक है लेकिन इसमें लाइटर नहीं है जैसे हमारे पहले वाले गैस स्टोव में था। तो काफी तो वो चार वाला था, ये है जलाने को। ये है अच्छा, ये वाला 5 बर्नर है इसमें, ये वाला वहां के लिए है, ये उसमें 4 बर्नर्स थे और इसमें है 5 बर्नर्स। और ये चल रहा है हमारा न्यू चूल्हा, सेंटर का पांचों के पांचों वर्किंग है, पांचों वर्क कर रहे हैं ये गए। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि जब हमने ये बनाया था तो हमने उसी के साइज का ये स्पेस रखा था, तो फिलहाल अभी इसको दी है हमने पैकिंग नीचे से और ये इतना ये स्पेस रह गया यहाँ पे खाली, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, उससे काफी बड़ा है, ये इतनी जगह ये ले रहा है। अब एक माचिस यहाँ पे, अभी तो फिलहाल हमने ये जुगाड़ करके ऐसे ही इसको टिकाया। एक माचिस यहाँ पे रहेगी, अब इसके बाद एक माचिस रहेगी यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं हम इसको एक कुछ क्या करते हैं। अभी आज के लिए तो हमने इसको सेट कर दिया है और इस पे बन रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चाय बना रहा हूँ। इस पे बन रही है हमारी फिर चाय, फ्लिपकार्ट से कोई ऑफर थी। ISI मार्क का है हमले, पता नहीं क्या है। एक्चुअली हमने जल्दी जल्दी में जो हमें ठीक लगा, इसमें ऑफर भी था वैसे 10,000 कुछ का था, लेकिन हमें ये पड़ा 45 का, हमें ये पड़ा 45 का, 4,500 का। 5 बर्नर्स है इसमें, अब हमें नहीं पता ये कितना चलेगा क्योंकि देख के हम लाए नहीं, ऑनलाइन मुझे ज़्यादा विश्वास तो होता नहीं है। अब हमारा ये टफन ग्लासेस का टूट गया है और ये चूल्हा तो बहुत ही क्लिक्स का था और ये सारा टूट गया है भूकंप की वजह से, अब इसको रिटायर कर दिया है। लेकिन नहीं, अगर ये ठीक होगा तो ये इसका लाइटर आज तक इतने 12-15 साल में आज तक भी ये ख़राब नहीं हुआ इसका लाइटर। हमने एक बार भी ये ठीक नहीं करवाया, एक बार इसकी सर्विस करवाई थी बस, बाकी और दे चाय। और यहाँ बन रही है चाय उसके ऊपर, इसका लाइटर लगा दे उसको। अभी तक अभी अभी पैर नहीं लगाते हैं, पता है मुझे लाइटर चलता है इसका, अभी भी चल रहा है, पता है मुझे, पता है। चलो आप चाय बनाओ, मैं आती हूँ, चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं फिर खाना बनाते हैं। और तो आपको मैंने अपना गैस स्टोव दिखा दिया, न्यू गैस स्टोव जो लेके आया है, और यहाँ पे कोई देखे ना देखे लेकिन जब मेरे पतिदेव घर में है तो टीवी तो 24 घंटे लगना ही चाहिए। सारे कुछ ड्राइंग में लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। इतने क्यों झुके हो बेटा, इतने क्यों झुके हो आप, थोड़े दूर से बनाना चाहिए, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो? नहीं। फिर ड्राइंग कर रहे हो? क्या ड्रॉ कर रहे हो? जो बन जाएगा फिर दिखाता हूँ। ओके, सारिश लगा हुआ है बेबी, पहले इधर घूम के बना रहा था अब उस तरफ खो गया। सारिश क्या बना रहे हो आप बेटा? गुनी भैया की दिखा जरा, दिखा दिखा जल्दी दिखाओ, दिखाओ ना जल्दी दिखाओ,
एक मिनट बस बंद कर। आ गया जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये सानिध्य आज बिजी है, ये बनाई सारी ने इतनी भयंकर गुस्से में लाल पीला और ऐसा सानिध्य ये बहुत ही अजीब सी, ये कैसे बनाई ऐसा तो नहीं दिखता सानिध्य, ये तो बहुत ही भयंकर फोटो है। सारिश लगा हुआ है हमसे यहाँ पे क्रिकेट के साइन पूछने में, कभी अपने पापा से कभी मुझसे, मुझे तो नहीं आते इतने ज़्यादा, लेकिन कोशिश करी थी उसको सेटिस्फाई करने की। और उसके पापा तो क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं तो वो तो बता ही रहे थे। तो फ्रेंड्स आज आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप हमारे भैया के लिए प्रे करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहे खुश रहें। गुड नाइट, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय। Thank you.